अली साहब मुझे एक और बात बताइए, मैं आपको, ये आपने अपने आप को गलत कोट कर दिया। हाँ। प्रोग्राम रिवाइंड करें, आपने पूछा कि गाना कैसा था, मैंने कहा अच्छा था। अब आप कह रहे हैं कि आपने ये नहीं कहा कि अच्छा था। अच्छा, आपने कह दिया था अच्छा है बाद में, चले ठीक है, शायद आपने बाद में जवाब दे दिया हो सकता। अच्छा, मुझे मुझे एक और बात का जवाब दीजिए, और ये भी अब बड़े लोग इस पे सवाल कर रहे हैं कि देखें, Feb 22 को 11 बजे बदामी साहब का प्रोग्राम था ARY पे, जिसपे आपने कहा कि कल दोपहर को मैं आपको बताऊंगा कि ये गाना कर सकते हैं या नहीं कर सकते। 15 घंटे में यानी कि 23 बजे आपने एक ट्वीट किया, और उसमें जो एक आपने टीजर दिया, जो बीट होगी सॉन्ग की, उसका एक टीजर दे दिया। फिर आप कह लें कि 36 घंटे बाद आपने एक और ट्वीट किया, जिसमें आपने ये कहा कि अब तो वीडियो बनाने की बारी आ गई क्योंकि गाना तैयार हो गया है। तो सब सवाल ये पूछ रहे हैं कि इतना जल्दी आपने गाना बना कैसे लिया, जबकि वसीम के प्रोग्राम में आप कह रहे थे कि गाना बनाना बड़ा मुश्किल काम है, सॉन्ग लिखना पड़ता है, कंपोज करना पड़ता है, इट्स टाइम टेकिंग, इतना जल्दी कैसे बना लिया आपने? अच्छा आर्टिस्ट है, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये जितने भी आर्टिस्ट हैं ना, जो क्रिएटिव प्रोसेस को समझते हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं, जो क्रिएटिविटी होती है ना, इट स्ट्राइक्स यू एज लाइटनिंग। कभी कभी वो आमद एकदम से हो जाती है, और कभी कभी उसमें बहुत हफ्ते लगते हैं और वो चीज़ नहीं आती है। तो जब आमद हो जाती है तो वो खुदा का एक समझ लें कि एक ब्लेसिंग है, एक करम है। इन दिस केस वो आमद हो गई, गाना बन गया, लिखा गया, और चीज़ें बड़े, मैं कहूँगा, एक मिरेकुलसली मैजिकल तरीके से ऑटोमेटिकली शेप अप होती जा रही हैं, और वो गाना भी बड़ा मज़े का बन गया है। आई होप कि जब आप सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा। बाय द वे जी, मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि अगर आप कोई भी टॉपिक या कोई लाइन मुझे दें कि ये मेरा कंसर्न है कि जी हुकूमत काम नहीं अच्छा करी, इस पर गाना बना दें, तो मैं आपको 15-20 मिनट में कुछ ना कुछ बना के वापस लिख के भेज दूँगा।